नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरपीएफ और खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रेनों में दूषित खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के यहां मारा छापा। साई रेस्टोरेंट नाम से संचालित की जा रही थी अवैध रसोई, वेंडरों के घर में बन रहा था दूषित सामग्री से पुलाव, रोटी सब्जी सहित अन्य सामग्री। मुख्य रेलवे स्टेशन के पास नेहरू नगर अन्ना बस्ती में चल रही थी अवैध रसोई, भरी गंदगी के बीच बनाया जा रहा था यात्रियों को बेचने वाला खाना। पिछले दो दिनों से जारी खाद्य विभाग और रेल पुलिस की कार्रवाई। जबलपुर के थाना सिविल लाइन का मामला। जबलपुर आरपीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अवैध वेंडर रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से मकान लेकर वहां पर बनाते खाना बनाकर रेल यात्रियों को सप्लाई कर रहे हैं। इस क्रम में आज हमने रेलवे के आसपास मकानों में सर्च किया है, कुछ सूचना भी यानी हमको इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर हमने एक मकान पे आए हैं सीला टॉकीज के पीछे, जहां पाया है कि एक मकान में रेलवे यात्रियों के लिए खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। कोई लाइसेंस और नहीं दिखा पाए हैं, हमारे द्वारा नमूनाकार किया जा रहा है। कार्रवाई की थी आपने? जी, लगातार कार्रवाई, जैसे हमको इनपुट्स मिलते हैं उस हिसाब से कार्रवाई लगातार जाती है। यहाँ पर क्या पाया आपने? अभी तो अनहाइजीनिक कंडीशन में किचन में यानी खाद्य पदार्थ का निर्माण हो रहा था, खाद्य सामग्री का कुछ आपके खाद्य पदार्थ अमानक श्रेणी के भी प्रतीत हो रहे हैं, जिसके हम नमूना लेकर प्रयोगशाला में भेजा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।